हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दिस चैनल आज के वीडियो में अगेन मैं आपके साथ इंग्लिश एंड मैथ्स से रिलेटेड प्रैक्टिस वर्कशीट शेयर कर रही हूँ अगर आपके बच्चे छः से सात साल की एज में हैं तो आप इस तरह की प्रैक्टिस वर्कशीट बनाकर बच्चों को घर पर सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं एंड ईजिलीली आप बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं वीडियो को एंड तक वॉच करना अगर आपको अच्छा लगे हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करना हेयर इज द फर्स्ट क्वेश्चन राइट द वर्ड्स इन ए बी सी ऑर्डर ऑन द करेक्ट पिक्चर यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं एंड यहाँ पर टू पिक्चर्स बनी हुई हैं जैसे फर्स्ट है स्पेस वर्ड्स एंड नेक्स्ट दिया हुआ है क्रिसमस वर्ड्स सो जो स्पेस वर्ड या स्पेस से रिलेटेड जो वर्ड्स है उन्हें यहाँ पर लिखना है एंड जो क्रिसमस से रिलेटेड वर्ड्स है उन्हें यहाँ पर लिखना है जैसे हम हाँ फर्स्ट दिया है स्पेस शिप सो ये स्पेस वर्ड से रिलेटेड है जो भी स्पेस वर्ड से रिलेटेड है पहले हम उन्हें देखेंगे जैसे स्पेस शिप रॉकेट सन एंड ब्लास्ट ऑफ सो ये फोर वर्ड्स स्पेस वर्ड से रिलेटेड हैं यहां पर इन फोर वर्ड में अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आएगा बी तो हम यहां पर लिखेंगे ब्लास्ट ऑफ बी के बाद आएगा इन थ्री वर्ड्स में से आर सो यहां पर है रॉकेट तो यहां पर हम लिखेंगे रॉकेट देन टू टाइम दिया है एस यहां पर स्पेसशिप एंड यहां पर लिखा है सन सो अगेन हम सेकेंड लेटर को देखेंगे यहां पर पी है यहाँ पर यू है सो पी पहले आता है यू से तो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे स्पेसशिप एंड देन लिखेंगे हम सन तो इस तरह से हमने जो स्पेस वर्ड से रिलेटेड है उन्हें यहाँ लिखे हैं एंड जो क्रिसमस वर्ड से रिलेटेड है जैसे क्लोज टॉयज पार्टी एंड होलीडे सबसे पहले आएगा एच तो हम यहाँ पर लिखेंगे देन एच के बाद लिखा है यहाँ पे सेंटा क्लोज टॉयज एंड पार्टी इन थ्री वर्ड्स में से पहले आएगा पी सो तो पहले आएगा पार्टी देन सेंटा क्लोज देन टॉयज और हम लिखेंगे हॉलीडे आफ्टर देन पार्टी देन सेंटा क्लोज And then, toys. तो इस तरह से यहाँ पर क्रिसमस वर्ड लिखे हैं एंड जो स्पेस रिलेटेड वर्ड है उन्हें यहाँ पर लिखना है इस तरह से आप बच्चों को एक्टिविटी करने के लिए दे सकते हैं इसमें अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आप बच्चों को वर्ड्स को अरेज करने के लिए दे सकते हैं सर्कल द करेक्ट सिनोनियम वर्ड यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं इन वर्ड के जो करेक्ट सिनोनियम है उन पर सर्कल करना है जैसे तो फर्स्ट दिया है बिग यहाँ पर कोल्ड लाउड इन लार्ज सो बिग का सिनोनिम वर्ड या सेम मीनिंग वर्ड क्या है लार्ज तो यहाँ पर सर्कल करना है नेक्स्ट है येल यहाँ पर लिखा है शाउट ईट एंड जम्प येल का सिनोनिम वर्ड होगा शाउट तो यहाँ पर सर्कल करेंगे नेक्स्ट है स्मॉल यहाँ पर है गुड थिन एंड लिटिल सो स्मॉल का सिनोनिम वर्ड या सेम मीनिंग वर्ड होगा लिटिल तो यहाँ पर सर्कल करना है स्माइल यहाँ पर लिखा है टॉल ग्रीन एंड सॉफ्ट सो स्माइल का सेम मीनिंग वर्ड या सिनोनिम होगा ग्रीन तो यहाँ पर सर्कल करेंगे बॉट या लिखा है टॉक शिप एंड होप सो बोर्ड का सेम मीनिंग वर्ड है शिप तो यहाँ पर सर्कल करना है नेक्स्ट है लुक यहाँ पर दिया है सी फॉल एंड वी सो लुक का सेम मीनिंग वर्ड क्या होगा सी तो यहाँ पर सर्कल करना है तो इस तरह से आप बच्चों को सिनोनिम वर्ड्स या सेम मीनिंग वर्ड्स पर सर्कल करने के लिए दे सकते हैं या इसी एक्टिविटी को आप बच्चों को मैच करने के लिए भी दे सकते हैं हर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम ईच वर्ड इन लिस्ट ए टू लिस्ट बी टू मेक अ कंपाउंड वर्ड यहाँ पर टू कॉलम्स दिए हुए हैं लिस्ट ए एंड लिस्ट बी यहाँ पर इन वर्ड्स को मैच करना है एंड कंपाउंड वर्ड बनाना है जैसे फर्स्ट लिखा है पेन सो पेन के साथ क्या हो सकता है केक तो यहाँ पर आएगा पेन केक ये कंपाउंड वर्ड बन गया नेक्स्ट है रेन सो रेन के साथ अगर हम बो को एड करेंगे तो बनेगा रेनबो फ्लावर सो फ्लावर के साथ हम एड करेंगे पॉट सो so, बन जाएगा फ्लावर पॉट बास्केट बॉल तो यहाँ पर भी कंपाउंड वर्ड बन गया नेक्स्ट है बाथ सो बाथ के साथ हम ऐड करेंगे टब बाथ टब एंड नेक्स्ट है हनी सो हनी के साथ ऐड करेंगे बी हनी बी तो इस तरह से आप बच्चों को कंपाउंड वर्ड भी बनाने के लिए दे सकते हैं एंड ये एक्टिविटीज बच्चों को स्कूल में कराई जाती है तो आप इस तरह से बच्चों को एक्टिविटी शीट्स में इंक्लूड करके करने के लिए दे सकते हैं हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड टू नाउंस इन इज सेंटेंस बिलो एंड सर्कल देम यहाँ पर जो सेंटेंसेस लिखे हैं इनमें टू नाउन्स दी हुई है उन नाउन्स पर हमें सर्कल करना है जैसे फर्स्ट है द डॉग हैज करली टेल तो यहाँ पर टू नाउन्स क्या है डॉग इट्स अ एनिमल ये हुआ नाउन एंड नेक्स्ट है टेल सो दिस इज ऑल्सो अ नाउन यहां पर सर्कल करेंगे नेक्स्ट है देन इज सिटिंग ऑन हर नेस्ट सो हेन इज ऑल्सो एनिमल ये भी नाउन हुआ एंड नेस्ट ये थिंग हुई इस पर भी हमें सर्कल करना है नेक्स्ट है द काउ हैज अ काफ काउ इट्स अ एनिमल एंड काफ इट्स काउज बेबी सो इस पर भी सर्कल करना है नेक्स्ट है द पेंटर इज पेंटिंग द हाउस तो यहां पर टू नाउन क्या है पेंटर इट इज अ पर्सन एंड हाउस इट्स तो यहाँ पर सर्कल करना है नेक्स्ट इज द मंकी इट्स बनाना सो मंकी इज एनिमल एंड बनाना इट्स अ थिंग तो इस तरह से आप बच्चों को नाउन पर सर्कल करने के लिए दे सकते हैं एंड इस तरह से आप बच्चों को नाउन की अच्छे से प्रैक्टिस करा सकते हैं हिज नेक्स्ट क्वेश्चन पुड पीरियड और क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ इच सेंटेंस यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं एंड इन सेंटेंसेस के एंड में या तो पीरियड जिसे हम फुल स्टॉप कहते हैं या फिर क्वेश्चन मार्क को एड करना है फर्स्ट है द वॉटर इज कोल्ड तो यहाँ पर हमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है ये एक स्टेटमेंट है जो कि बताया है वाटर इज कोल्ड तो यहाँ पर हमें पीरियड का यूज करना है नेक्स्ट है डू यू वांट टू सी द डक्स यहाँ पर डू का यूज किया है फर्स्ट में यहाँ पर हम क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं डू यू वांट टू सी द डक्स हम किसी से पूछ रहे हैं तो यहाँ पर ये यह क्वेश्चन हुआ तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क बनाएंगे नेक्स्ट है वॉट गेम विल बी प्ले ये कोई स्टेटमेंट नहीं है यहाँ पर भी क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं वोट गेम विल बी प्ले तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे नेक्स्ट है टू टर्टल सेट ऑन द लॉग यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है यह कि स्टेटमेंट है जिसे बताया है टू टर्टल सेट ऑन द लॉग तो यहाँ पर हम पीरियड का यूज करेंगे फुल स्टॉप का नेक्स्ट है हु इज योर बेस्ट फ्रेंड यहाँ पर भी क्वेश्चन आस किया है हु इज योर बेस्ट फ्रेंड तो यहाँ पर अगेन हम क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे अ लेडी बग हैज सिक्स लेग्स ये भी एक स्टेटमेंट है जिसमें बताया है लेडी लेडीबक के सिक्स लेग्स होते हैं तो यहाँ पर पीरियड का या फुल स्टॉप का यूज करेंगे एंड लास्ट है शी इज माई बेस्ट फ्रेंड अगेन यहां पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है तो यहाँ पर हम फुल स्टॉप या पीरियड का यूज करेंगे तो इस तरह से बच्चों को पीरियड या क्वेश्चन मार्क का यूज करने के लिए बच्चों को सिखाया जाता है ग्रेड वन में बच्चों को पीरियड एंड क्वेश्चन मार्क का यूज कैसे करते हैं ये बच्चों को करना सिखाया जाता है तो आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस वर्कशीट में करने के लिए दे सकते हैं इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द एंसर इन द करेक्ट स्पेस यहाँ पर कुछ कॉलम बने हुए हैं जैसे लिखा है सम एंसर, यह दिया है प्लेस तो यह पर जो सम दिया दिया है 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 प्लेस प्लेस वैल्यू वैल्यू तो पर जो उसे सॉल्व करके पहले एंसर लिखना है। उनका प्लेस बताना जैसे टेन प्लस प्लस फिफ्टीन होगा ट्वेंटी फाइव एंड टेंस की प्लेस पर आएगा टू नेक्स्ट है ट्वेंटी प्लस एट

इससे आप बच्चों को प्लेस वैल्यू और अच्छे से प्रैक्टिस करा सकते हैं एंड डेली प्रैक्टिस वर्कशीट्स में बच्चों को आप प्लेस वैल्यू करने के लिए दे सकते हैं इस तरह से प्लेस वैल्यू से रिलेटेड एक्टिविटी भी आप बच्चों की एक्टिविटी वर्कशीट्स में इंक्लूड कर सकते हैं हिर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द मिसिंग नंबर्स इन द प्रॉब्लम बिलो यहाँ पर कुछ सम्स दिए हुए हैं एंड यहाँ पर कुछ स्पेस दी हुई है जैसे यहाँ है फाइव प्लस ब्लैंक इक्वल्स फोर्टीन सो फाइव में कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि फोर्टीन आएगा सो फाइव प्लस नाइन इक्वल्स फोर्टीन सिक्सटीन प्लस ब्लैंक इक्वल्स ट्वेंटी फोर सिक्सटीन प्लस एट इक्वल्स होता है ट्वेंटी फोर इक्वल ब्लैक प्लस एट इक्वल्स फिफ्टीन सो एट में हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि फिफ्टीन आएगा सो सेवन प्लस एट इक्वल्स फिफ्टीन थ्री प्लस सेवन इक्वल्स टेन फाइव प्लस सिक्स इक्वल्स इलेवन यहाँ पर सब्टशन से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं. एटीन माइनस ब्लैंक इक्वल्स फिफ्टीन सो एटीन में से हम कितने नंबर को माइनस करेंगे कि फिफ्टीन आएगा सो so, बैकवर्ड काउंटिंग कर सकते हैं यहाँ पर एटीन से बैकवर्ड थ्री टाइम्स करेंगे तो आएगा फिफ्टीन नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव माइनस ब्लैंक इक्वल सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव माइनस नाइन इक्वल सिक्सटीन यहाँ कोई नंबर नहीं दिया है ब्लैंक माइनस एट इक्वल्स टू सो कौन से नंबर से हम एट को माइनस करेंगे कि टू आएगा तो हम इन दोनों को एट भी कर सकते हैं एट प्लस टू इक्वल्स होता है टेन तो हम यहाँ पर टेन लिख देंगे क्योंकि टेन माइनस एट इक्वल्स टू होता है नाइनटीन माइनस ब्लैंक इक्वल्स नाइन अगेन हम यहाँ पर भी सेम चीज कर सकते हैं नाइन में हम कितने नंबर को एड करेंगे कि नाइनटीन आता है सो नाइन प्लस टेन इक्वल्स होता है नाइनटीन तो यहाँ पर आएगा टेन नाइनटीन माइनस टेन इक्वल्स नाइन ब्लैक माइनस सेवन इक्वल सेवन तो इसे भी हम इस तरह से कर सकते हैं हम इन टू नंबर्स को ऐड कर सकते हैं सो तो जो आंसर आएगा उसे यहां लिखेंगे seven plus seven equals होता है 14, तो यहाँ लिखेंगे फोर्टीन तो इस तरह से आप बच्चों को सिंपल वे एंड ईजी वे में आप बच्चों को समझा सकते हैं कि हम एडिशन जब करना है तो हम किस तरह से करते हैं एंड सब्टन किस तरह से हम करते हैं तो बच्चे इजिली जो ब्लैंक स्पेस दी हुई है उसे फिल कर सकते हैं तो इस तरह से आप बच्चों को प्रैक्टिस वर्कशीट में सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं इज द नेक्स्ट क्वेश्चन एड ऑफ द क्वाइंस ऑन ईच पेपर एंड राइट द टोटल ऑन द कॉर्नर यहाँ पर कुछ सेंट्स दिए हुए हैं इन्हें एड करना है एंड यहाँ पर लिखना है तो यहाँ पर दिया है टेन सेंट टेन प्लस इलेवन प्लस प्लस फाइव इक्वल्स ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी फोर सो हियर कम्स ट्वेंटी फोर सेंटस नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है टेन सेंट फाइव सेंटस फाइव सेंटस टेन सेंटस वन सेंट एंड फाइव सेंट तो इन्हें बच्चों को एड करना है तो इस तरह से भी कर सकते हैं टेन प्लस टेन इक्वल्स ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस टेन इक्वल्स थर्टी थर्टी प्लस एंड वन थर्टी पर आएगा सिक्स दिया है टेन सेंट्स ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस टेन थर्टी एंड थर्टी प्लस थर्टी फाइव थर्टी सिक्स एंड थर्टी सेवन यहाँ आएगा थर्टी सेवन सेंट्स। नेक्स्ट दिया है टेन एंड टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी एंड फोर्टी टू सेंट्स तो यहाँ लिखना है फोर्टी टू सेंट्स तो इस तरह से आप बच्चों को मनी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करने के लिए दे सकते हैं जिसमें आप कॉइन्स बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इस तरह से आप बच्चों को लिखकर कॉइन्स को ऐड करने के लिए दे सकते हैं इस तरह से आप बच्चों को नंबर ऑफ कॉइन्स लिखकर टेन क्वाइंस वन पॉइंट फाइव क्वाइन एंड आप बच्चों को इस तरह से ऐड करने के लिए दे सकते हैं एंड ईजिली आप इस तरह से बच्चों को धीरे धीरे मनी से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एंड मनी के कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं तो इस तरह से कॉइन से रिलेटेड या मनी से रिलेटेड एक्टिविटी शीट भी आप बच्चों की एक्टिविटी शीट्स में इंक्लूड कर सकते हैं नेक्स्ट है मेंटल मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट दिया है जैसे यहाँ नंबर्स लिखे हैं ट्वेंटी सिक्सटीन ट्वेल्व एंड यहाँ पर स्पेस दी हुई है तो यहाँ पर हम फोर बैकवर्ड काउंटिंग कर रहे हैं ट्वेंटी के फोर बैकवर्ड करेंगे तो आएगा सिक्सटीन देन ट्वेल्व देन एट देन फोर एंड देन जीरो नेक्स्ट है राइट द नंबर नेम फॉर टू हंड्रेड सेवेंटी फाइव टू हंड्रेड सेवेंटी फाइव को यहां नंबर वर्ड्स में लिखना है तो यहां लिखना है टू हंड्रेड सेवेंटी फाइव नेक्स्ट है फाइव मल्टीप्लाई बाय फोर सो फाइव फोर जर होता है ट्वेंटी लिखेंगे ट्वेंटी नेक्स्ट है हाउ मेनी डेज आर देयर इन टू वीक्स टू वीक्स में कितने डेज होते हैं वन वीक में होते हैं सेवन डेज सो टू वीक्स में होंगे फोर्टीन डेज तो 14. So 0 0 0 so so यहाँ लिखना है फोर्टीन नेक्स्ट है सेवेंटी माइनस ट्वेंटी सो जीरो माइनस जीरो इक्वल्स जीरो एंड सेवन माइनस टू इक्वल्स फाइव सो आंसर विल बी फिफ्टी नेक्स्ट है एटी सिक्स माइनस टेन इक्वल्स सो यहाँ पर आएगा सेवेंटी सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ हैंड्स टू शो फाइव ओ क्लॉक यहाँ पर एक क्लॉक बनी हुई है इसमें हमें फाइव ओ क्लॉक को शो करते हुए हैंड्स को ड्रॉ करना है सो फाइव ओ क्लॉक इट मीन स्मॉल हैंड होना चाहिए फाइव पर एंड बिग हैंड होगा ट्वेल्व पर तो इस तरह से ये शो कर रहा है फाइव ओ क्लॉक को नेक्स्ट है सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर एंड स्क्वायर ऑन द ग्रेटेस्ट नंबर यहां पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं इनमें जो स्मॉलेस्ट नंबर है उस पर सर्कल करना है एंड जो ग्रेटेस्ट नंबर है उस पर स्क्वायर ड्रॉ करना है यहां पर दिया है सेवनटी सेवन एटी सेवन सिक्सटी सेवन सेवेंटी सिक्स सिक्सटी नाइन सिक्स एंड सेवेंटी एट यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर हुआ सिक्सटी सेवन पर सर्कल ड्रॉ करना है एंड ग्रेटेस्ट नंबर है 96, तो पर स्क्वायर करना है नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर इज मल्टीपल मल्टीपल ऑफ का कौन सा है यहाँ पर नंबर दिए हैं फाइव थ्री सिक्स इलेवन एंड फिफ्टीन सो टू का मल्टीपल होगा सिक्स तो यहाँ पर सर्कल करना है हियर इज द द नेक्स्ट क्वेश्चन राइट हाफ ऑफ द गिवन नंबर्स यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं इन इनके हाफ नंबर यहाँ पर लिखना है जैसे एट का हाफ नंबर क्या होगा फोर टेन का होगा फाइव ट्वेंटी एट का होगा फोर्टीन नेक्स्ट है ट्वेल्व ट्वेल्व का होगा सिक्स फोर्टीन का हाफ होगा सेवन फिफ्टी का हाफ होगा ट्वेंटी फाइव एटीन का हाफ होगा नाइन ट्वेंटी का हाफ होगा टेन एंड हंड्रेड का हाफ होगा फिफ्टीन इस तरह से आप बच्चों को हाफ नंबर की भी प्रैक्टिस करा सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज द कैलेंडर टू आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पर एक कैलेंडर दिया हुआ है नवंबर 2022 का यहाँ कैलेंडर दिया हुआ है कैलेंडर किस तरह से हम देखते हैं किस तरह से हम कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये चीजें बच्चों को ग्रेड वन एंड ग्रेड टू दोनों में सिखाई जाती है तो आप इस तरह की एक्टिविटी बच्चों की एक्टिविटी शीट्स में इंक्लूड कर सकते हैं इससे बच्चों को कैलेंडर देखना आएगा किस तरह से हम कैलेंडर को देखते हैं एंड उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम किस तरह से सॉल्व करते हैं जैसे यहाँ पर कैलेंडर दिया हुआ है नवम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू यहाँ पर डे लिखे हुए हैं एंड यहाँ पर डेट्स लिखी हुई है यहां पर कुछ क्वेश्चन पूछे जैसे हाउ मेनी डेज आर इन नवंबर नवंबर में कितने डेज होते हैं सो so यहाँ पर लिखा है एंड नंबर थर्टी सो देर आर थर्टी डेज तो यहां पर लिखना है थर्टी डेज नेक्स्ट है हाउ मेनी मंडेज आर इन नवंबर मंडे कहा लिखा है यहां पर सो हाउ मेनी मंडेज वन टू थ्री एंड फोर मंडे में कितनी डेट्स आ रही है वन टू थ्री एंड फोर डेट्स सो देर आर फोर मंडेज तो यहां पर फोर लिखेंगे विच डे ऑन द कैलेंडर इज सिक्सटीन नवंबर नवंबर कहां दिया हुआ है यहां पर सो विच डे कौन सा डे है नवंबर को Wednesday. तो यहाँ पर हमें लिखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नेम ऑफ दिस मंथ कैलेंडर कौन से मंथ का हम कैलेंडर देख रहे हैं नवंबर का तो यहां पर बच्चों को लिखना है नवंबर का स्पेलिंग नेक्स्ट है विच डे विल नेक्स्ट मंथ बिगिन नेक्स्ट मंथ का जो डे होगा वो कौन से डे से स्टार्ट होगा सो so, यहां पर नवंबर का एंड डेट क्या है थर्टी एंड वो है वेडनेसडे को सो so, जब दिसंबर स्टार्ट होगा तो वो स्टार्ट होगा थर्सडे से तो यहां पर लिखना है बच्चों को थर्सडे इस तरह से बच्चों को कैलेंडर से इंट्रोड्यूस किया जाता है एंड कैलेंडर से रिलेटेड ये क्वेश्चन बच्चों को पूछे जाते हैं जिसमें बच्चों को इनके आंसर्स लिखने होते हैं तो आप इस तरह से बच्चों को कैलेंडर से रिलेटेड एक्टिविटी भी बच्चों की एक्टिविटी शीट्स में इंक्लूड कर सकते हैं जिससे बच्चों को कैलेंडर समझ में आए किस तरह से हम कैलेंडर को देखते हैं कौन सी डेट से स्टार्ट होता है कौन सी डेट पर एंड होता है एंड नेक्स्ट मंथ कौन सी डेट से अगेन स्टार्ट होगा तो ये सारी चीजें आप बच्चों को जब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देंगे तो वो ईजिली लर्न कर लेंगे इस तरह से आप बच्चों को डेली प्रैक्टिस वर्कशीट्स मेंटल मैथ मैथ एंड इंग्लिश से रिलेटेड प्रैक्टिस वर्कशीट्स आप बच्चों को घर पर बनाकर सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं एंड इजीली आप बच्चों को घर पर प्रैक्टिस करा सकते हैं आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा हेल्पफुल लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना हम मिलते हैं अच्छे से नए वीडियो के साथ टिल देन बाय बाय टेक केयर